पर एक आर्ट एंड क्राफ्ट का कॉम्पिटिशन होने वाला है, काफी लोग यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के जो है आतिका मैडम मेरे साथ है, मैं उनको खैर मकदम करता हूँ इस चैनल में कि मैडम आपका खैर मकदम करते हैं इस चैनल में कि जो आज जो प्रोग्राम होने जा रहा है कितने स्कूल्स का जो है, जैसा कि मजलिस प्राइवेट स्कूल्स का जो है फेडरेशन की जानिब से ये कॉम्पिटिशन रखा गया है, तो उसके ताल्लुक से बताइए कितने स्कूल्स है और क्या क्या होने वाला है। MPSF के 23 स्कूल्स हैं आपके, लास्ट टाइम से आपके और मतलब ज़्यादा इंक्लूड हो गए आर्ट में, तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स हम लोग इसमें शामिल करें, दैट वी हैव अचीव दिस टाइम। सो एक पहला हम लोग फर्स्ट राउंड हो चुका है, उसमें से 20% बच्चों को यहाँ पर ग्राउंड पे लेकर आए, इंशाल्लाह शायद हम नेक्स्ट ईयर सारे बच्चों को लेके आएंगे जो भी एनरोल किए थे, जी जी, क्योंकि वो लोग डिसप्लीज हो जा रहे हैं सारे लोग, मे बी वी विल फॉर्म समथिंग न्यू एंड वी मे गेट एवरीबॉडी हियर। तो आज जैसे कि हम लास्ट ईयर करे थे अमेरिकन आर्टिस्ट जॉर्जियो कीफ, तो इस टाइम हम लोग पीट मॉन्ड्रियन, ये डच आर्टिस्ट है नेदरलैंड से जी, तो इनके काम पे मतलब इनसे इंस्पायर होके देखिए, ये उनका वर्क है ज्योमेट्री फॉर्म में और हम लोग उनके पूरे पेंटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे जी। बच्चों को सब्जेक्ट्स मीन्स वही चीज को लेके, जैसे अब ये कलर्स है, कलर्स से उनको किसी को घर बनाना, इसी को ये शेप्स में लेके पूरा ज्योमेट्रिक फॉर्म में एनिमल्स फ्लावर्स ऐसे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जी। तो द होल आइडिया इज कि आर्टिस्ट जो लेजेंडरी आर्टिस्ट है ये लोग पूरे उनको उनके वर्क से इंस्पायर होके अपने इमेजिनेशन से क्या क्रिएट करते जी। वो हम लोग अभी जो है कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने स्कूल्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 23 स्कूल्स के बच्चे हैं, उसमें सब 20% उनमें से हम सेलेक्ट करे सुने okay. तो और आज फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर होंगे जी, एंड आर्टिक बेस्ट क्रिटिक अवार्ड्स भी देंगे आज जी। कंपटीशन के अलावा हम लोग और थोड़े न्यू कॉन्सेप्ट्स मतलब इसको फेस्टिवल का रूप देना चाह रहे हैं, लास्ट ईयर भी कोशिश थी कि सेकंड फेस्टिवल आर्ट MPSF आर्ट फेस्टिवल का मतलब हम लोग इसको मतलब थोड़ा सा और पॉलिश करके ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो आज ऐसे जो इंक्लूड करे हैं एक सरप्राइज कोलाज वर्क रहेगा, वो आप लोग मतलब थोड़ी देर में हम लोग उसका भी वो भी एक्टिविटी होंगी, और लास्ट में हम लोग पीट मॉन्ड्रियन के कलर्स को लेकर काइट फ्लाइंग भी होंगी लास्ट में ओके। और ब्लॉक प्रिंटिंग का एक वर्कशॉप है और मेहंदी आर्ट और फेस पेंटिंग भी इंक्लूडेड है ओके, मतलब एक्टिविटी एक्स्ट्रा हो गया जी, ओके, फेस्टिवल ओके। मतलब फेस्टिवल का टाइप के वैसा ही क्रिएट कर दिया, ये भी फर्स्ट टाइम है MPSF के हिस्ट्री में जी जी। चलिए बहुत बहुत मुबारक आपको जो है, आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, अल्लाह आपको कामयाब करे, ऐसे ही आप कराते रहें और भी बच्चों में जो है अवेयरनेस लाते रहें, स्कूल में हमारी ख्वाहिश है। चलिए देखते हैं आगे भी और क्या चलता है, आगे कैसे यहाँ पर जो है एक्टिविटीज होते हैं बच्चों के ताल्लुक से मालूम करने की कोशिश करते हैं। وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الكرم الحافظون لحدود الله وبشر المؤمن الكريم
सोनी सोनी दगन उजड़ा उजड़ा चमन, बिन तेरे ये ना महके गमोश के खोतन। सोनी सोनी दगन उजड़ा उजड़ा चमन, बिन तेरे ये ना महके गमोश के खोतन। सोनी सोनी दगन उजड़ा उजड़ा चमन, बिन तेरे ये ना महके गमोश के खोतन। टूट कर जैसे गिर जाएगा ये गगन, टूट कर जैसे गिर जाए लाता नहीं तेरा पैगाम, अब कोई लाता नहीं तेरा पैगाम, अब कोई लाता नहीं मेरा अब जाता नहीं। किसको सुनाएंगे हम अपनी दास्ता, किसको सुनाएंगे हम अपनी दलित के दारा। तेरे साया रहे उनकी चश्मो इनायत का दरिया बहे, उनकी मेहनत और मुशक्कत से हम है पाले, उनकी मेहनत और मुशक्कत से हम है पाले। दिल से खिदमत करे उनकी अब बिन कहे, दिल से खिदमत करे उनकी अब बिन कहे। मैं भूल जाऊं ना मौला का फरमान, में भूल जाऊं ना मौला का फरमान, में याद कर कर के हो जाऊं हैरान, में याद कर कर के हो जाऊं हैरान। में मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ प्यारी माँ मेरी माँ। ब्यूटीफुल यू नो नज़्म फॉर मदर। ओके ओके थैंक यू सो मच।
तो नाज़रीन यहाँ पर जो है मजलिस प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की जानिब से ये कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है। बालापुर बालापुर ग्राउंड पर जो है ये कॉम्पिटिशन चालू हो चुका है। यहाँ पर जो है काफ़ी स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर कॉम्पिटिशन के लिए पार्टिसिपेट करे हैं। तो हम जो है बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो है यहाँ पर जो है कितना इंजॉय कर रहे हैं कॉम्पिटिशन में, कैसा दिख रहा है ये लोग को। आइए लिए चलते हैं आपको बच्चों की तरफ, बच्चों से मालूम करने। यहाँ पर नन्ही मुन्नी बच्ची ने ड्राइंग उतारा है, तो उससे मालूम करते हैं। बेटे आप कौन, आपका नाम क्या है? अदीपा। अदीपा विच स्कूल? डायमंड मिशन हाई स्कूल। अच्छा, क्या उतार रहे हैं आप अभी? ग्रेप्स। ग्रेप्स, आपको एंजॉय हो रहा है यहाँ पर? यस। अच्छा, मजा आ रहा है? यस। ओके, काफी अच्छा दिख रहा है। कौन सा स्कूल? डायमंड स्कूल की जो, कौन सी क्लास के आप? डायमंड स्कूल के जो है सेकंड क्लास के यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर ड्राइंग उतार रहे हैं बच्चे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्रेप्स उतार चुकी है लड़की, बहुत ही एंजॉय कर रही है। और भी ऐसे लड़के हैं जो हम मालूम करने की कोशिश करते हैं, आइए लिए चलो। यहाँ पर जो है एक लड़की यहाँ पर साथ में है, इनसे भी पूछते हैं कि जो है यहाँ पर क्या क्या उतार रहे हैं इसके अंदर और कैसा एंजॉय कर रहे हैं। कौन सी क्लास में बेटा, कौन सा स्कूल है आपका? रूज मॉडल हाई स्कूल, मैं थर्ड क्लास में हूँ। आपका नाम? फातिमा खातून। क्या उतारे आप? मैं ये उतारी हूँ मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी। देखिए जैसा कि आप जान सकते हैं काफी अच्छी नीट और सही तरीके से बच्चों में ये अवेयरनेस आने के लिए खासतौर से ये प्रोग्राम रखा गया है। बहुत ही अच्छा ड्राइंग कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं इसके साथ। एंजॉय कर रहे ना बेटा आप? जी मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। जी आप क्या बोलना चाहेंगे और भी आपके जो फ्रेंड्स को आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए? मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स की तरह ही मैं कर रही हूँ। और मेरे फ्रेंड्स मुझे हेल्प कर रहे हैं, थोड़ी कलर्स दे रहे हैं और मैं भी कलर्स लाई हूँ, मैं भी कर रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर लड़की ने एक जो है जबरदस्त बेहतरीन यहाँ पर ड्राइंग करी है। बेटा आपका नाम क्या है? शेखा सईदा। कौन से स्कूल में? मुराल मॉडल हाई स्कूल। मुराल मॉडल हाई स्कूल में क्या उतारे आप? एप्पल। देखिए नाज़िम के जो है यहाँ पर लड़की इतनी खूबसूरत तरीके से, कौन सी क्लास में? थर्ड। थर्ड क्लास की जो है लड़की जो है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से एप्पल उतारी है, मेहनत कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं बेटा आप? यस। कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा, बहुत 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 एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर भी ऐसे कई बच्चे हैं कि जो है एंजॉय करते हुए ये लोग जो है आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर भी एक लड़की है, ये भी देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से उतार रहे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? जैनब। जैनब कौन सी क्लास में? फर्स्ट। कौन सा स्कूल? मॉडल मॉडल हाई स्कूल। मॉडल मॉडल हाई स्कूल। मॉडल मॉडल हाई स्कूल का देखिए आप, ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो है ड्राइंग उतार रही है लड़की। बहुत ही हम मुबारकबाद देते हैं ऐसे टीचर्स को, ऐसे जो है वो स्टूडेंट्स को, साथ ही साथ पेरेंट्स को जो पार्टिसिपेट कराते हैं ख़ास तौर से, और यहाँ के फेडरेशन के जितने भी मेम्बर्स हैं उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं कि जो है ऐसे ही बच्चों में अवेयरनेस के लिए ये लोग जो है 4-5 साल से ये प्रोग्राम रखे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, आइए लिए चलते हैं आगे की तरफ। तो नाज़रीन यहाँ पर मेरे साथ जो है एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची यहाँ पर है जो कि बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर एप्पल और मैंगो उतारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर खूबसूरत से ड्राइंग करे हैं। बेटे कितना मज़ा आ रहा है आपको? बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा दिखा आपको? अच्छा। अच्छा कितनी देर में उतारे आप ये ड्राइंग? आधा घंटा। आधे घंटे में उतार दिए, वेरी गुड। हाँ मैडम, यहाँ के जो है इनके साथ जो है टीचर भी है, टीचर से भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम ये बताइए आपके स्टूडेंट्स को जो है खासतौर से ये पीरियड लिया जाता था क्या ड्राइंग का, कैसा करते हैं आप लोग? हाँ सर, प्रैक्टिस के लिए देते थे बच्चों को जी। कि हाँ ड्राइंग करने के लिए उरुज इंडियन हाई स्कूल। देखिए उरुज मॉडल हाई स्कूल के जो यहाँ पर टीचर भी मेरे साथ, इंडियन हाई स्कूल यहाँ पर मेरे साथ है, यहाँ पर भी उनको भी एक प्लेट स्पेशल दिया जाता था यहाँ पर यह ड्राइंग सीखने के लिए। बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छा ड्राइंग उतारे। हम मुबारकबाद देते हैं टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो है ड्राइंग उतारा जा रहा है। मैडम आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे और भी स्कूल्स को जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या बोलना, क्या बोलेंगे आप? हाँ सर, बच्चों को प्रैक्टिस करने पे क्या है बच्चों को हैबिट भी रहती है, आगे चल के और अच्छा ड्राइंग है वो कर सकते हैं जी। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
चलिए नाजिन, ये थे उरुज मॉडल इंडियन मॉडल स्कूल के जो है यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स, बहुत ही खूबसूरत उतारे हैं। मुबारक बेटा, आपको भी मुबारक। चलिए शुक्रिया, जजाकल्ला। अब ये देख सकते हैं नाजिन के जो है यहाँ पर टॉपर जो है माशाल्लाह जो है काफ़ी अच्छी कम उम्र में काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर पेंटिंग उतार रहे हैं। उन लोगों से नाम पूछते हैं, उसका नाम पूछते हैं और उनको हिम्मत अफजाई देते हैं कि जो है यहाँ पर कैसा लगा उनको। बेटा नाम बोलिए। फरीहा बेगम। स्कूल का नाम? स्कूल ऑफ स्मार्ट लर्नर्स, थर्ड। थर्ड क्लास। कैसा लगा आपको यहाँ पर? अच्छा। अच्छा लगा? यस। आपका नाम बोलिए। फारियात अब्बास। कौन सा स्कूल? पुरुष मॉडल हाई स्कूल। क्या उतारे आज आप? फ्रूट्स। फ्रूट उतारे। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नाम बोलो। आसिफ रजा। आसिफ रजा। यस। क्या उतारे? फ्रूट। मैंगो और आती। यस। कैसा दिखा आपको? अच्छा। जी, आपका नाम बोलिए। हफ्सा मेहरिन। कौन से स्कूल में? मॉडल 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 स्कूल। कैसा लगा? क्या उतारे आज आप? फ्रूट। आईपीएल उतारे। कैसा दिखा? अच्छा। आप बताइए, नाम क्या है आपका? शेखा सईदा। कौन से स्कूल में? मॉडल मॉडल हाई स्कूल। कैसा दिखा आपको आज यहाँ पर? अच्छा दिखा। क्या उतारे आज आप? एप्पल। एप्पल उतारे। आप बोलिए बेटा, नाम बोलिए। जुनेरा खातून। स्कूल? मोनार्क हाई स्कूल। मोनार्क हाई स्कूल। कौन सी क्लास में बेटा? सेकंड। सेकंड में क्या उतारे आज आप? एप्पल मैंगो। एप्पल मैंगो। मोनार्क स्कूल की लड़की है। एप्पल और मैंगो का कलर देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लिया जा रहा है। बेहतरीन ड्राइंग करे है लड़की। ओह, कट कर दो भैया। ये नन्नी मुन्नी यहाँ पर लड़की मेरे साथ है, बहुत ही खूबसूरत जो है ये ड्राइंग उतारी है बच्ची। बेटा आपका नाम? सैयदा मरियम। कौन सा स्कूल में बेटा? उरूज मॉडल हाई स्कूल। कौन सी क्लास में आप? सेकंड। सेकंड क्लास की लड़की जो है यहाँ तक पहुँची है। ऐसे ही अवेयरनेस करना चाहिए बच्चों में ताकि जो है और भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो अवेयरनेस हो। यहाँ का मुद्दा यही है कि जो बच्चों में अवेयरनेस हो बोल के यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन रखा जा रहा है। तो आइए और भी मेरे साथ यहाँ पर बच्चे हैं, उस बच्चों से भी मालूम करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत ये ड्राइंग उतारी है लड़की। इसके ताल्लुक से क्या बताएं आपको कि इतना खूबसूरत ये उम्र में उतारना वो तो बहुत बड़ी बात है। जैसा आप क्या नाम बोलिए बेटा? राना फातिमा मरियम। कौन से स्कूल में है? सेंट मरियम हाई स्कूल। सेंट मरियम। कौन सी क्लास में है? थर्ड। थर्ड में है। थर्ड क्लास की लड़की है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये ड्राइंग उतारी है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, लड़की और उनके प्रिंसिपल को भी जो है मुबारकबाद देते हैं। भाई कट कर, ये नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची मेरे साथ यहाँ पर है। बच्ची का ड्राइंग देखिए आप, इतनी कम उम्र की लड़की है, इतनी ड्राइंग उतारना, इतना सेंस रखना बहुत बड़ी बात होती है। बेटा आपका नाम? सुनेरा। सुनेरा। कौन से स्कूल में बेटा? एमजे क्रिएटिव स्कूल। कौन सी क्लास में है आप? फर्स्ट। फर्स्ट। कितने साल के हैं आप? 7। अच्छा, वेरी गुड। क्या उतारे आप? ये एप्पल और मैंगो। एप्पल मैंगो। ओके, एप्पल और मैंगो ये लड़की उतारी है, बहुत ही खूबसूरत उतारी है। चल बोलिए। खौला सुमैया। कौन सी क्लास में है? सेकंड बी। सेकंड क्लास में है। क्या उतारे आज आप? एप्पल मैंगो। आप बोलिए बेटे, नाम बोलिए। फारिया तबस्सुम। फारिया तबस्सुम जी। कौन से कुछ क्लास में है? थर्ड। थर्ड में क्या उतारे आप? एप्पल मैंगो। कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पर आज का यहाँ पर? और बहुत अच्छा। अच्छा दिख रहा है ना? एंजॉय कर रहे हैं ना? थैंक यू। किसका कंप्लीट हुआ? कौन सी क्लास के? फोर्थ और फिफ्थ। अब आते हैं अपन बी ग्रुप है ना, आप लोग का बी ग्रुप में आते हैं अपन। बी ग्रुप के यहाँ पर जो फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चे जो है इतनी खूबसूरत जो है ड्राइंग कर सकते हैं, अपन सोच भी नहीं सकते कि जो है यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चे जो है इतनी खूबसूरत ड्राइंग कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ये भी हम बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं। बेटे आपको कैसा दिख रहा है आपको? क्या नाम है आपका पहले ये बताइए। मेरा नाम मारिया है। मारिया। कौन से स्कूल में बेटा? डायमंड मशीन हाई स्कूल। आपका क्लास कौन सी है आपकी? फिफ्थ क्लास में। कैसा दिखा आपको ये ड्राइंग उतारते वक्त? एंजॉय करे आज? यस। ओके, आप बताइए बेटा आपका नाम? शाइस्ता तबस्सुम। कौन सा स्कूल में? डायमंड मशीन हाई स्कूल। कौन सी क्लास में है? फोर्थ। फोर्थ क्लास की लड़की जो है इतना खूबसूरत जो है यहाँ पर ड्राइंग उतार सकती है,
ठीक है, अभी आपको और भी ले चलते हैं, ग्रुप ए है, ग्रुप सी के तो हो गए, ग्रुप डी के भी हो गए, ग्रुप ए में भी ले चलते हैं आपको। चलिए शुक्रिया, जजाकल्ला बेटे, अल्लाह। अब हम सी ग्रुप के कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ पर है, सी ग्रुप के जो है, कौन से स्कूल के है बेटा? उरूज मॉडल हाई स्कूल। आप सीधा पकड़ लीजिए जी। उरूज मॉडल हाई स्कूल। नाम बताइए? बुशरा सुल्ताना। कौन सी क्लास में है आप? सेवेंथ। सेवेंथ क्लास में आप क्या उतारे हैं, क्या चीज है? ये ट्रेन है। ट्रेन उतारे हैं आप, कितनी देर लगी आपको ट्रेन उतारने? कम से कम एक घंटा। एक घंटा लगा, अच्छा, वेरी गुड। आप बताइए बेटा क्या नाम है आपका? सैयदा निमरा मुनीसा बेगम। कौन सी क्लास में? सेवेंथ। सेवेंथ में, और कितनी देर हुई आपको उतारने में? 45 to 1 hour। 45 to 1 hour। कौन से स्कूल से आप? उरूज मॉडल हाई स्कूल। उरूज मॉडल हाई स्कूल, कैसा दिखा आपको यहाँ पर ये एटमोसफियर में आए आप, यहाँ पर आपके दोस्तों के साथ ये ड्राइंग करे, कैसा दिखा? बहुत अच्छा दिखा, हम लोग को बार बार ये मौका चाहिए यहाँ पे आके पेंट करने का, सेलेक्ट होकर अभी इंशाल्लाह हम लोग दुआ करेंगे कि इसमें भी सेलेक्ट हुए, और हम लोग बहुत कोशिश करे, अब पता नहीं सेलेक्ट होंगे कि नहीं। और यहाँ का वातावरण तो बहुत ही अच्छा है, और हम लोग को बहुत मजा आई यहाँ पे, टीचर सब अच्छे है यहाँ के। अच्छा, कॉर्पोरेट के यहाँ का मैनेजमेंट कैसा दिखा आपको, यहाँ के जो सर आपको जो है यहाँ पर लेकर आए हैं, यहाँ पर इतनी दूर लेकर आके आपको पार्टिसिपेट कराने लगा, कैसा दिख रहा आपको? बहुत अच्छा दिख रहा सर, एक नए आर्ट कर सक रहे हम लोग अपनी तरफ से, कोशिश तो कर रहे हैं, और एक चीज अपनी खुद ही से ड्रॉ कर रहे हम लोग। आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या करेंगे आप, इसमें इंटरेस्ट लेंगे आप, क्या करेंगे पढ़ेंगे? नहीं, मैं IAS बनूंगी। IAS, वेरी गुड। बच्चे की ख्वाहिश है IAS करे जो है, इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि आप IAS ऑफिसर बने, कि जो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ जो है इतनी प्यारी ड्राइंग करी है लड़की ये कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जो है और भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर जो और भी ऐसे स्टूडेंट्स आए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और कामयाब होने की कोशिश करें, क्या ये लगता है आप लोग कामयाब होंगे इस बार? कॉम्पिटिशन तो बहुत टफ है, लगता नहीं कि कामयाब हो पाएंगे। चलिए इंशाल्लाह कामयाबी नहीं भी हुए तो आजूदा में होना, हाँ ये स्पीड रखना चाहिए, अगर ये इस बार कामयाब नहीं हुए तो ये चाहिए कि दिलों में जो है मायूस नहीं होना और कोशिश करना कि जब तक कामयाब नहीं मिलती है उसका पीछा नहीं छोड़ना, क्या बोलते हैं आप लोग? जी सही है, आप बिल्कुल सही है, 100% जी। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उरूज मॉडल हाई स्कूल की एक लड़की मेरे साथ है, 9th स्टैंडर्ड में ये लड़की पढ़ती है, इन्हों जो है हर साल जो है एक से एक इम्प्रूवमेंट इनके पास आ रहा है, आज क्या उतारे उसके ताल्लुक से मालूम करते हैं। बेटे आज क्या उतारे आप? आज हम लोग को इन ये जो है ना कलर्स के ऊपर दिए थे, जैसा कि ब्लू, येलो, रेड, वाइट और ब्लैक, ये कलर्स के ऊपर पेंटिंग कौन सी भी बनाना था लैंड फॉर्म की, तो मैं ये बनाई। ये बनाया जी? हाँ। अच्छा, कौन से स्कूल में है, कौन सी क्लास में है आप, और आपका नाम बताइए? जी मैं रफिया अल जाबरी 9th क्लास में हूँ, उरूज मॉडल हाई स्कूल। कैसा दिखा आपको यहाँ पर जो है आपके फ्रेंड्स के साथ आए और भी स्कूल के बच्चे यहाँ पर साथ में है, आप कॉम्पिटिशन में आए, कैसा लग रहा आपको? जी बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब न्यू स्कूल्स के साथ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा। क्या लगता है इस कंपटीशन में आप कामयाब हो पाएंगे? जी थोड़ा सा लग रहा जी हाँ, कंपटीशन थोड़ा सा लग रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है दिन बाय दिन, के जो है ऐसे ही कंपटीशन बढ़ते जा रहा है तो ऐसे ही बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा, सबसे बड़ी बात यह होती है कि बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और भी जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनके एक अवेयरनेस होगी कि जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और फर्स्ट आने की कोशिश करें, फर्स्ट प्राइज लेके जाएं, हमारी दुआ है कि जो आप भी जो है फर्स्ट प्राइज लें आप लेकर जाएं। और क्या आपके जो है पेरेंट्स को या फिर स्कूल का और भी फ्रेंड्स है आपको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी हाँ, कुछ पेरेंट्स अलाउ नहीं करते पेंटिंग्स के लिए, तो पेंटिंग्स बनाना एक आर्ट है, उसमें हम लोग को बहुत से बड़ा मुकाम मिल सकता है, तो पेंटिंग्स बनाइए, दिखाइए, फैंस बनाते जाइए पेंटिंग्स के, आपको अच्छे से अच्छी जॉब मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम दीपा रेड्डी है। आप जो पेंट करा रहे हैं वेजिटेबल से, इसका क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बच्चों में अवेयरनेस कैसे आए? ये एक्चुअली ये पेंट इट्स अ वेरी एंशियंट आर्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग विच इज़ डन विद नेचुरल डाइज एंड नेचुरल कलर, वेजिटेबल कलर्स एंड नेचुरल डाइज। ओके, एंड दिस इज डन ऑन फैब्रिक, पेपर एंड एनी सर्फेस। माने एनी वेजिटेबल यूज? यू कैन यूज एनी वेजिटेबल, इट्स अप टू अस व्हाट वी वांट टू यूज। राइट नाउ आई एम यूजिंग करेला, बीन्स, भेंडी एंड कैप्सिकम।
कैसे यूज करते हैं इसको, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि बच्चों में के जो कैसे अवेयरनेस आए, कैसा उतारे, कैसा होता है। दिस एग्जिस्टेड इवन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड फ्रॉम राजस्थान से दिस इज एक्चुअली दिस इज मोर प्रिडोमिनेंट इन राजस्थान एंड गुजरात एंड फर्स्ट वी प्रिपेयर द कलर पुट इट इन अ वुडन ट्रे and then we prepare the then we just take out the starch on the fabric and all fabric put pin the fabric and then dab the block dab the block and put it on the fabric। ओके जैसा कि यानी कि आप ये बता सकते हैं कि जो पेपर में पहले पेपर पे होता था जो है फैब्रिक पे हो रहा है। नहीं, फैब्रिक पहले से होता था, एनी सर्विस पे होता, ये मेटल पे भी होता, प्लास्टिक पे होता, सब पे होता जी। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप ये और भी स्कूल्स में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये एक्चुअली दिस एन वेरी इंटरेस्टिंग आर्ट ऑफ एंशिएंट आर्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड वन शुड रियली लर्न इट। दिस इज़ अ वेरी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग थिंग बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पीपल आर इफ यू हैव इंटरेस्टेड इन इट देन इट्स रियली यू विल रियली डू इट। थैंक यू M for Manjlis, P for Private, S for School, F for Federation, and C for Children's, F for Fine, A for Art, G for Gallery, A-R-T, Art Gallery, CONTEST contest 2023।
Yes. And the next man, yes. And the next, I would like to call Navid sir. Move back. And the next, yes, I love you, look here. Yes. थैंक यू कंग्रेचुलेशन एंड ऑल्सो शेयर द थॉट और फीडबैक फॉर अस सो दैट वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ इवेंट मोर बेटर एंड बेटर एज द टाइम गोज बाय सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अल्ताफ सर ऑफिशियल विथ चिल्ड्रंस आर्ट गैलरी सो मैम प्लीज लाइक टू हैव फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू Children are making some kind of welcome gesture for art gallery. So this will be presented to the Atika ma'am and team members. Please, children, come from this side. Giorgio Keefe. Okay, that also maybe we can put on the WhatsApp group and see those. The last year's performance now, kite flying and also calligraphy with mehendi. So I am very happy that I could inspire so many children. So basically Pete Mondrian, we were inspired by Pete Mondrian today. The Children's Gallery was opened in 2010. And with MPSF, we have been working since 2 years. Today we concluded doing one more artist. Each year, inshallah, we will do more artists. And the Children's Fine Art Gallery is by the children, of the children, for the children. So if you have any suggestions as children, you can also tell your teacher what all we can add for the next time. Okay? Our idea is
टू प्रोवाइड यू विद ब्यूटीफुल मेमोरीज। यू मेरे प्यारे तलबा तालिबात, प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर आज बेहद खुशी हुई। बच्चों ने बहुत ही मेहनत से पेंटिंग और ड्राइंग की। मैंने देखा इनकी इनर एक्टिविटी, इनकी इनर क्रिएटिविटी को ये जो असातिज़ा है बेहद मुबारकबाद है, और इनके वालिदैन के लिए भी बेहद मुबारकबाद पेश करती हूँ मैं। और खास कर असातिज़ा कराम का इसमें बेहद अहम रोल है, उनके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। जिनके किरदार से आती है सदाकत की खुशबू, जिनके किरदार से आती है सदाकत की खुशबू, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। वाकई में सबसे पहले असातिज़ा और वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और जो बच्चे इनाम नहीं पाए उनको मुबारकबाद देती हूँ। वो लोग मायूस मत हो, जरूर आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखें। खासकर आप जो इनाम पाए उनको तो जरूर मुबारकबाद सब लोग देंगे, लेकिन जो इनाम नहीं पाए मैं खास उनको मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने हिम्मत की और बहुत मेहनत की, लेकिन आप लोग अपने आप को जांचिए। जो बच्चे हौसला अफजाई करें, ये बच्चे हमारे मेमार के मुकाम के मुस्तकबिल के उम्मीदवार हैं। ये लोग हमारे बहुत ही आगे जाकर ये लोग हमारे कौम का नाम, अपने माशरे का नाम रोशन करने वाले हैं। हर बच्चे की ज़हनी सलाहियत अलग अलग होती है। हम उनके जज्बात, उनके एहसास, उनके नफ्सियात को वालिदैन और असातिज़ा ही पहचान सकते हैं। खासकर जो बच्चे इनाम नहीं लाए उनके लिए मेहनत करें, उनको आगे बढ़ाएं, ये मेरी गुजारिश है। आखिर में मैं तमाम एक शेर के जरिए मैं अपनी दुआ या शेर के जरिए अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। तो सदा खुश रखना मेरे खुदा इन बच्चों को, तेरे फरिश्ते भी दे दुआ इनको, दुनिया इनको देना इनको उनकी चाहत से ज्यादा, देना इनको इनकी चाहत से ज्यादा, मांगे जो एक खतरा तो दे दरिया इनको। खुदा बेहद शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह मैम, आपके ये मोटिवेशनल थॉट प्रोसेस, आपके अल्फाज, जिससे जो है हमारे बच्चे काफी मुतासिर हुए, होप ये उनके जो है लर्निंग। टू यू ऑल, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी टॉकिंग टू यू ऑल हियर टुडे ऑन दिस एक्साइटिंग ओकेजन। आई एम वेरी डिलाइटेड टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस दिस टैलेंटेड गैदरिंग हियर। All the students are so talented. I saw all the drawings, paintings you have all done. It's your creativity, different colors. And today the theme was very much different. What I saw was. So, मुझे एक याद आ रही है एक proverb जो famous artist Picasso जी ने बोला है, art is a lie that makes us realize the truth. तो थोड़े ही colors दिए हुए थे और इट वॉज नॉट अ रियलिटी, यू हैड मेड इट अ रियलिटी, आपने उसको किया रियलिटी में बदल दिया। जो भी प्रोवाइड किया गया था उसमें से ही आपने एक बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना के अपना क्रिएटिविटी दिखाया। तो नो डाउट ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट ओवर हियर इज अ विनर, देयर इज नो वन हु इज नॉट अ विनर हियर। द मोमेंट यू डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट and take your step forward for learning in your learning journey, you are the winner. So I appreciate that effort, and I also congratulate all the organizers and all the members, each and every member who has made this event a successful one today. They have taken a lot of effort. I have been seeing Shafi sir taking lot of effort, and congratulations to you all. And मैं बोलूंगी ऐसे participate करते रहिए आप हर event में, हर competitions में। और competition करना है खुद से पहले, दूसरों से competition करने से पहले आप खुद से competition करिए। मैंने ये साल इतना अच्छा किया था and next year मैंने इतना अच्छा किया, गए साल से अच्छा किया या नहीं किया। So when you try to compete yourself with your learning, you will be definitely the winner one day. So
I congratulate each and every participant here today for participating in this art event. और मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है, why art is introduced in our education system? So if any children or any teacher wants to say the answer, we can take it forward. कि आर्ट को क्यों एजुकेशन सिस्टम में लाया गया है, हम इतना बड़ा इवेंट क्यों कंडक्ट करते हैं? So any student, art हम क्यों करते हैं? Any big student, any night, yeah, tell. Education बढ़ने के लिए. Education बढ़ने के लिए, very nice. Yes. तो मुझे लगता है there are main 7 reasons why art is introduced in our education system. One is it enhances the creativity of the child. कोई भी नहीं बोलता है कि ये drawing, ये painting कैसे करना है. बच्चा खुद होके सोच के करता है. दे यूज देयर ओन क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन एंड देन इट इम्प्रूव द एकेडमिक स्किल्स ऑल्सो, एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑल्सो. क्योंकि व्हेन अ चाइल्ड थिंक्स ऑन देयर ओन, जब वो खुद का दिमाग यूज करके खुद सोचने लगते हैं, तो वो हर कुछ पढ़ाई में भी खुद सोचकर खुद का आंसर लिख सकते हैं. ऐसे नहीं है कि रट्टा मार के लिखेंगे. वो खुद का सोच करके, नहीं आए तो भी सोच के लिखने का सीखेंगे. एंड देन इट डेवलप्स मोर मोटर स्किल्स ऑल्सो. दे विल नॉट टेक है जो आर्ट से बच्चे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं. लीडरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स दे लर्न. लीडरशिप में वो दूसरों से नहीं पूछते इसमें कौन सी कलर भरना है, उसमें कौन सी कलर भरना है. वो खुद का डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, उसमें खुद डिसाइड करते हैं कि मैं क्या ड्रॉ करूं, कैसे ड्रॉ करूं, ये कैसे अच्छा दिखेगा. ऑर्गेनाइजेशन, सो जस्ट नाउ मैडम नेत्रा जी वाज मेंशनिंग दैट यू हैव टू सेट योर गोल एंड यू ऑल शुड स्ट्राइव वर्क हार्ड टू अकम्प्लिश द गोल. अगर आपको गोल है, इफ यू सेट योर गोल, तो आप उस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए कोशिश करेंगे. अगर आपको गोल ही नहीं है, तो क्या आप गोल अकम्प्लिश कर पाएंगे? इज इट ऑर नॉट? देयर फोर गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज ए ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस इन द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज फिजिकली फिट मेंटली साउंड. आपका मेंटल हेल्थ साउंड जब बनेगा, आप मेंटली अपने अकम्प्लिशमेंट्स को, अपने एस्पिरेशंस को स्ट्रांगली दिमाग में बिठाएंगे. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. गोविंद जायसवाल एक कलेक्टर है, आईएएस ऑफिसर. जानते हैं आप लोग कलेक्टर? यू ऑल नो हु विल बिकम कलेक्टर? कौन कलेक्टर बनते हैं? जो आईएएस पास करते हैं. इज इट आर नॉट? ये गोविंद जायसवाल जी थे, आपके जैसे सेवेंथ क्लास पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको कोई नेबर ने कहा है, हाउ डेयर यू कम इनटू माय हाउस. वो एक रिक्शा पुल्लर के लड़के थे. ही वॉज अ सन ऑफ रिक्शा पुल्लर. सो बाय डिफॉल्ट एक्सीडेंटली ही एंटर्स इनटू द हाउस ऑफ ए क्लरिकल पर्सन. वो क्लर्क बताते हैं, यू आर द सन ऑफ ए रिक्शा पुल्लर, हाउ डेयर यू टू एंटर इनटू माय हाउस. तो जब वो लड़का 12 साल का लड़का दिमाग में बहुत सीरियसली सोचता है, हमारा जो कम्युनिटी है, हमारे जो फादर जी है, क्या इतना लो प्रोफाइल है, तो मुझे क्या करना चाहिए फर्दर डेवलप करने के लिए, फर्दर ऊंचा पोजीशन हासिल करने के लिए. वो 12 साल का लड़का उनके नेबरिंग में जो भी उनके पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनसे पूछता है कि दुनिया में अच्छा नाम, अच्छा पोजीशन हासिल करने के लिए क्या करनी चाहिए. तो ही गेट द इनसाइट दैट यू शुड बिकम कलेक्टर, यू शुड गेट थ्रू आईएएस एग्जामिनेशन. तो वो लड़का, दैट बॉय, ही स्ट्राइव्स हार्ड, सेट हिमसेल्फ टू बिकम आईएएस ऑफिसर. तो इतना कोशिश करते हैं, इतना कोशिश करते हैं, आज की तारीख में उनका रिकॉर्ड है. ही सेट द रिकॉर्ड बाय अकम्प्लिशिंग हाई स्कोर इन हिंदी मीडियम आईएएस एग्जामिनेशन. दैट्स हाउ ही कुड सेट हिज गोल ऑफ बिकमिंग अ कलेक्टर और आईएएस ऑफिसर. सो यू ऑल हैव टू
जब एक रिक्शा पुलर का लड़का वेन ए सन ऑफ ए रिक्शा पुलर कुड बिकम आईएएस ऑफिसर डोंट यू थिंक दैट यू ऑल कुड अकम्प्लिश वॉट एवर यू विश टू अकम्प्लिश आप जो बनना चाहते हैं वो आप फ्यूचर में बन पाएंगे या नहीं यस मैडम जी अभी बताए थे यू सेट योर टू गोल्स वन इज पर्टेनिंग टू योर कैरियर अनदर इज पर्टेनिंग टू योर हेल्थ गुड हेल्थ इज इट ऑर नॉट तो आप सभी लोगों को यू ऑल शुड सेट योर गोल दैट आई वांट टू बिकम कलेक्टर और आई वांट टू बिकम ए फेमस एडवोकेट और आई वांट टू बिकम ए फेमस पेंटर और व्हाटएवर यू विच बट यू शुड सेट योर गोल इज क्लियर अगर आप दिमाग में गोल सेट करते हैं उसके थ्रू आप काम करते हैं उसके लिए दिन रात सोचते हैं तो डेफिनेटली आप इंशाअल्लाह गोल को अकम्प्लिश करेंगे माइंड इतना पावरफुल है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में इन आर ह्यूमन बॉडी देर आर अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स और ऑल दीज ट्रिलियन सेल्स आर गवर्न बाय द सुपर पावर ब्रेन हमारे ब्रेन में 100 बिलियन सेल्स है पूरे ह्यूमन बॉडी में देर आर 100 ट्रिलियन सेल्स ब्रेन अलोन पोसेस 100 बिलियन ट्रिल्स सेल्स जो कुछ भी आप ब्रेन में फीड करते हैं वो ऑटोमेटिक इट इज द नेचर ऑफ द गॉड ये कुदरत है कि वो हो जाता है मैं एक दो क्लासिक एग्जाम्पल बताता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम माई ओन क्लासिक एग्जाम्पल जब मैं आपके जैसा 10th क्लास में था जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करती थी जिसका नाम है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज आज की तारीख में उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल सो उस जमाने में वो नंबर 1 कॉलेज हुआ करती थी आज की तारीख में तेलंगाना में नंबर 1 कॉलेज IIT हैदराबाद है जो हमारे बगल में संगारेड्डी के करीब में आती है तो जब हम माई 10th क्लास में था व्हेन आई वाज इन 10th क्लास आई यूज्ड टू राइट यू नो पेन चेक करने के लिए कुछ ट्राई करते हैं ना आई यूज्ड टू राइट रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वरंगल तो रियली उस कॉलेज में एडमिशन लेना इतना डिफिकल्ट है बट समहाउ बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डरली पीपुल हमको वहां पे सीट मिला है माई फादर वॉज थिंकिंग ग्रेट इवन इफ आई कुड गेट उस्मानिया इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर मुझे मिलता है सीट माई फादर वॉज एस्पायरिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड कॉलेज उस्मानिया इंजीनियरिंग कॉलेज एंड आई ऑल्सो डिड नॉट ड्रीम दैट मुझे NIT वरंगल में मिल सकता है सिर्फ मैं लिखता था जब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वरंगल वैसे हमने वो अकम्प्लिश किया है और एक एग्जाम्पल बोलना चाहता हूँ और वो 500 में कुछ परफॉर्मेंस है थोड़ा सा उनको कुछ स्पेशल अवार्ड दिया जाएगा लेकिन हर बच्चे आतिका मैडम आपको शमीमा फादर ने मोहम्मद शाबी जमा शमीमा सेकेंड क्लास फादर ने मोहम्मद शाबी जमा महबूबे कौन है कंग्रेचुलेशन द ग्रुप ए इज अफसा माहिम फादर नेम मोहम्मद अब्दुल मंसूर स्कूल मॉरल मॉडल हाई स्कूल ग्रुप बी MJ Creative School, congratulations. And the first winner is Atif Ahmed, father name Room B. Samira Begum, father name Muhammad Salim, Basar School. Father of Muhammad Nizamuddin.
फादर ऑफ मोहम्मद निजामुद्दीन। मली हजन सफा सुल्ताना डॉक्टर ऑफ मोनार मोहम्मद रहीम मोनार हाई स्कूल। चलिए आते जाओ बेटा आप लोग हैदराबाद स्कूल अमरजीत पॉल मैं असलम स्कूल मदद से शफी सर मोना खान ग्रुप बी अक्षा माही फादर नेम मोहम्मद अब्दुल मंसूर स्कूल मॉरल मॉडल हाई स्कूल। शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर मौजूद प्रिंसिपल्स टीचर्स और यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर राजी साहब काफी टाइम से मुझे इनवाइट करते हैं लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से हम इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते थे। काफी जो लास्ट टाइम पे भी हमको बहुत कोशिश करे राजी साहब आज भी बहुत कल से काफी मेरे को मेरे साथी कॉर्पोरेटर सलीम जट साहब को यहाँ पर इनवाइट के लिए काफी उन्होंने कोशिश करते लेकिन हमको आने के लिए कुछ ना कुछ वजह से हम नहीं आ सकते लेकिन आज हम कोशिश करके यहाँ पर आने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो भी कॉम्पिटिशन्स में जो भी गेम्स में जिस अंदाज में भी जो आपके स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स हुए अल्हम्दुलिल्लाह वहां से फाइनल होकर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ मैं कि वो लोग अपनी काबिलियत पे अपनी कोशिश के जरिए इस कॉम्पिटिशन में यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर जो भी बच्चे फाइनल राउंड में जो जीतते हैं उनको मुबारकबाद देता हूं और जो बच्चे नहीं आ सके उनको चाहिए कि वो कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम वो अच्छा करें। लेकिन गेम्स खेलना और गेम्स में रहना इसका मतलब ये है कि आप एक्टिव रहना फिजिकली तौर पर और मेंटली तौर पर आप एक्टिव रहना। एक्टिव रहते हुए आप जो है सो अपनी शरीर गेम्स में प्ले के लिए ग्रोथ करिए आपका माइंड फ्रेश होता है उसकी वजह से आप लोग चार चीज सोचने की सहूलियत आपके दिमाग में आती है। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और यहां पर के स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को मुबारकबाद देता हूं और टीचर्स को भी मुबारकबाद देता हूं जो आपने बच्चों के लिए इस प्रोग्राम ऐसे मुनक्किद किए हैं जिससे कि बच्चों को हिम्मत अफजाई मिले और ये लोग अपने तौर पर भी कुछ सोच के आगे बढ़ने की इनके दिमाग में एक सोच आती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर बुलाने के लिए और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी पढ़ाई के लिए पढ़ाई के मैदान में आप लोग सुने होंगे जलसों के जरिए और हालिया में इलेक्शन भी गुजरे हैं और इलेक्शंस में भी जमात के जरिए जो है सो हर जलसे में जो है सो ऐलान करते थे कि जो है सो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करिए। आप लोग
प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते वो बच्चों के लिए जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी काफी स्कूल्स ओपन करे हैं, जहां पर 15-16 हजार बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वहां पर भी जो है बच्चों को जो है सो हिम्मत देते हैं अकबर साहब। तो हमको चाहिए कि आपके पेरेंट्स क्या मुसीबत उठा के क्या काम करके कैसे आपकी फीस को पे कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आपके पेरेंट्स का जो ख्वाब है, जो उनकी खुशी है, उस खुशी में आपको हिस्सा देना है। तो हिस्सा देना कैसा है, आपके पेरेंट्स के साथ में अच्छा सलूक करिए, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए और टीचर के साथ में भी अच्छा बिहेवियर करिए और आप अच्छा पढ़ के काबिल बनिए। आपके काबिल बनने से आपके पेरेंट्स को खुशी होती है और आपके टीचर्स को भी खुशी होती है कि मेरा स्टूडेंट जो है सो यहाँ से हम पढ़ाए हैं उनकी ये काबिलियत हुई है। हमारे अभी सर बोले कि जो IPS IAS ऑफिसर यहाँ पर बनने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, उसके लिए जो है तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आप वो चीज कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी बोलने बैठे तो काफी बातें हैं जो हम बोल नहीं सकते क्योंकि वक्त नहीं है, यहाँ पर और भी कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन आप लोग अच्छा पढ़िए, अच्छा पढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और आपके स्कूल का नाम रोशन करिए जहाँ से आप पढ़ते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत थोड़ा मेरे साथ शफी सर यहाँ पर मौजूद है। आज के ऑर्गेनाइजर जो है बोलते हैं आप जो है जो मेहनत जो जस्टो जो से जो बच्चों को लेकर आए हैं काफ़ी मेहनत रही है, हम आपको जो है आज के
प्रोग्राम जो कामयाब हम उसको मुबारकबाद देते हैं आपको कि जो है बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि जो आज का जो प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज की है वो कामयाब रहा और उसके साथ साथ जो है बच्चों को इकट्ठे जमा करना ये पूरा अरेंजमेंट करना ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में और बसेस से लेकर आना ऐसा स्कूल्स में जाके एक एक स्कूल जाकर जो मालूम करना अवेयरनेस देना आप इसके बारे में क्या कहना है कैसा आप लोग अरेंज करते हैं इसके तरफ से। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि जो हमारी सोच थी बच्चों को जो है हमारा फोकस एरिया मेन बच्चा है उसकी जो है काबिलियत उसकी एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए हम हर तरीके से स्कूल्स में कोशिश करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। बच्चा ये चाहता है कि उसको जो है सख्ती ना हो और खुले आम वो अपनी इंटेलेक्चुअल का जो है मुजाहरा कर सके। तो ऐसा एक मौका हमने उन बच्चों को दिया है जो कि जो है अपने क्लासरूम एटमॉस्फेयर से हटकर बाहर के खुली हवा में वो अपनी सलाहियत को मनवाने की कोशिश करें तो ये उसको एक अपॉर्चुनिटी हुई। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चे को मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं और उसको जो है एक ही दिशा में सोचने का नहीं बल्कि चारों तरफ से बच्चे को जो है अपनी स्किल डेवलपमेंट का मौका मिलता है। बच्चा जो है अपने गुमान को अपनी इमेजिनेशन को अपने तसव्वुर को जो है वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें उसको इसके आर्ट के ज़रिए सिखाया जाता है। तो आर्ट देखेंगे आप तो ज़िंदगी के हर शोबे में आर्ट है, चाहे आप किचन में ले लीजिए या फिर बड़े बड़े इंजीनियरिंग स्किल्स पे ले लीजिए, बगैर आर्ट के कोई काम ही नहीं होता। तो ये जो बच्चे हैं यहाँ पर उन लोगों को कहीं ना कहीं रुकावट आती है जो क्लास टीचर बोलिए या स्कूल मैनेजमेंट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इसके ज़रिए हमको पता चलता है कि बच्चे का जो है डीप इन्वॉल्वमेंट कितना है, वो कितना अपने तसव्वुर को अपने इनसाइट को जो है कितना डीपली लेकर आ सकता है। ये आर्ट के ज़रिए उसके जो है एक अपॉर्चुनिटी मौका मिल सकता है जिसके ज़रिए वो अपने आप को जो है साबित करता है। सर पिछले साल और इस साल में कितने बच्चों की बढ़ोतरी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और स्कूल्स 10 स्कूल्स एड ऑन हुए हैं। गुज़श्ता साल 13-14 स्कूल्स रहे हमारे यहाँ पर, अभी इस साल 23 स्कूल्स हैं और बच्चों की तादाद बड़ी है। मैक्सिमम जो है अभी लास्ट टाइम हम लेकर आए थे तो 300-350 बच्चे जो लास्ट ईयर आए थे इस ग्राउंड में, अभी जो है 500 के ऊपर 500 के आसपास बच्चे यहाँ पर हैं और स्कूल लीडर्स 10 स्कूल लीडर्स नए ज्वाइन हुए हैं जो उनको जो है हमको ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ा। दे बिलीव इन आर्ट, आर्ट के अंदर उनका भरोसा था और वो लोग ज़रूरी समझे कि इसको जो है हम इम्प्लीमेंट करें। क्या हम उम्मीद लगाएं कि सर आज 500 हुए अगले साल आने वाले 1000 भी हो सकते हैं? उम्मीद है हमारी। तो अभी जैसा देखें कि अब यहाँ पर टेक्निकलिटीज होती है बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना और जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है और उसके साथ में इतनी टीम मेंबर्स का एफर्ट होता है इसके अंदर, दिन रात की मेहनत रही हमारी, पिछले 1.5 महीने से हम इसके पीछे काम कर रहे थे। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि भाई लाइक माइंडेड पीपल का अगर हमको मिलता है तो बिलीव करते हैं कि आर्ट हाँ ज़रूरी है, तो वैसे लोगों को हम लेकर ज़रूर हमारी टीम को भी एक्सपेंड करना चाहेंगे और रियली जो है बच्चों की जो है विदाउट एनी ऐसा जरिया है जहाँ पे बच्चों को फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस जो है दोनों भी जो है उसको इंस्पायर करती हैं और वो अपने आप में जो है एक्सपेक्ट नहीं करता कि इसमें इन्वॉल्व होने से इसके अंदर क्या डेवलपमेंट आए, लेकिन उसका जो है परफॉर्मेंस लेवल एकेडमिकली और सब्जेक्ट वाइज बढ़ता है इसके। शुक्रिया, ये जो है उम्मीद के साथ हम तमाम हमारे जितने भी स्कूल जुड़ रहे हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनकी तालीमी सलाहियत और उसको जो है उभारने के लिए हम जो है अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। आर्ट के ज़रिए, स्पोर्ट्स के ज़रिए, साइंस के ज़रिए एक हमारा मिशन है कि हम जो है मिडिल क्लासेस स्पेशली जो टारगेट है जहां पर अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती है, लिमिटेड रिसोर्स रहते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, ऐसे मौके बच्चों को प्रोवाइड करके जो है उनको आगे बढ़ाना हमारा मकसद है। शुक्रिया। ज़रूरी है कि जो बच्चों को जो है सेल्फ डेवलपमेंट की बात होती है, अक्सर क्या है माँ बाप भी बेचैन रहते हैं कि भाई हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसको जो है क्या रुकावट है, किस वजह से उसकी जो है डेवलपमेंट नहीं हो रही है, एकेडमिक तालीम में आगे क्यों नहीं है। बच्चे को वो चीज़ देनी चाहिए जो वो चाहता है, अगर वो पढ़ाई नहीं चाहता हो सकता है वो ड्राइंग पेंटिंग चाहता होगा, कलर्स उसको अट्रैक्ट करते होंगे, या कोई बच्चा जो है स्पोर्ट्स को जो है पसंद करता होगा तो बच्चे को स्पोर्ट्स के जरिए मोटिवेट किया जा सकता है। उसकी ख्वाहिश की अगर चीज़ अगर हम उसको दी जाती है तो वो सेकेंडरी एजुकेशन को मानता है या वो उसको जो है वो प्रेफरेंस में लेकर आकर उसमें भी अच्छा पढ़ने लगेगा बच्चे। आर्टिंग ग्राफ्ट के अलावा भी और कई स्पोर्ट्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए आप रिव्यू करेंगे? हाँ, हमारे MPSF के बैनर पर लास्ट ईयर जो है फ्रीडम कप हुआ था, इस साल जो है इंडिपेंडेंस कप होने वाला है, रिपब्लिक डे। शफी सर जी, नाज़रीन आज हमारे साथ जो है कॉर्पोरेटर सलीम बेग साहब जो के
बहुत ही जानी मानी हस्ती है, मैम के बहुत पुराने कारकुन और कॉरपोरेटर है, बहुत ही मेहनती, हम देखे हुए आंखों से कि जो है जनाब सलीम बेग साहब। जी सलीम बेग साहब, आप यहाँ पर आए हैं, आपके हाथों से जो है गोल्ड मेडल्स भी दिया गया, सर्टिफिकेट भी दिया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले माइनॉरिटीज मजलिस माइनॉरिटीज स्कूल फेडरेशन के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों को तालीमी मैदान के साथ साथ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो या फिर ड्राइंग, आज जो ड्राइंग का प्रोग्राम था वो मुख्तलिफ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और आज का ये प्रोग्राम ड्राइंग का प्रोग्राम जो बहुत ही कामयाब रहा और तमाम तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए, और यहाँ सबसे बड़ी बात देखने में ये आई है कि जो लोग हिजाब पर एतराज़ करते हैं यहाँ पर हिजाब में रहकर मेडल्स हासिल किए हैं, तो इसका मतलब यह है कि तरक्की के लिए हिजाब रुकावट नहीं है, हिजाब में रहकर भी जिंदगी के हर शोबे में हमारी ख्वातीन काम कर रही है, और ख्वातीन की हिम्मत अफजाई के एक बेहतरीन मौका भी रहा है, और बच्चियों के अच्छा परफॉर्म रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये फेडरेशन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और बच्चों के जिस्मानी नशोनुमा से लेकर जहनी सलाहियत और अखलाकियात तक ये बराबर अपना काम करते रहेंगे। मैं फेडरेशन के जो स्कूल अभी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, जो स्कूल वो स्कूल के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उनसे भी ख्वाहिश करूँगा कि ये एक बेहतरीन काम हो रहा है, और फेडरेशन के साथ वो तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो अतराफ व अकनाफ में बिलखसूस पुराने शहर में काम करते हैं उनको ये चाहिए कि इस फेडरेशन से वाबस्ता हों, और क्योंकि जब मुट्ठी बनती है तभी ताकत आती है, तो जो अलहदा अलहदा हैं उनसे भी ख्वाहिश करूँगा कि एक अपनी मरकजियत को पैदा करें ताकि आने वाले वक्तों में स्कूल इंतज़ामिया के जो भी मसाइल रहें वो एक मरकजी सतह पर हुकूमत से हो या जहाँ भी कहीं बात हो अपनी बात रख सकते हैं, अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। उसके लिए भी स्कूल फेडरेशन को एक जगह स्कूल फेडरेशन का सपोर्ट करते हुए एक मरकजियत देनी चाहिए। उन तमाम से भी ख्वाहिश करूँगा कि एक अच्छे काम में उनका भी ताउन होना चाहिए। बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे स्टूडेंट्स? बच्चों के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि कोई एक काम इंसान अपने आप को मुतमईन नहीं कर सकता, सिर्फ अगर बच्चा सिर्फ पढ़ता रहे तो उसमें जहनी सलाहियत नहीं पैदा हो सकती, खेल कूद पढ़ना लिखना और दीगर अपनाए वतन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हर मैदान में अपने आप को लाना पड़ेगा, तभी बच्चे जो है सो इस मुल्क के लिए अपने अपने खानदान के लिए अपने अपने आप के लिए बेहतरीन असासा साबित हो सकते। शुक्रिया जी। आज का तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है, यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है, यहाँ पर जो है प्राइवेट मंजिल स्कूल फेडरेशन की जानिब से यहाँ के जिम्मेदारान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते कितनी मेहनत हुई है इसके पीछे और कैसे बच्चों इकट्ठा करके जो है यहाँ तक लेकर आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सर ये बताइए, आपको जो है यहाँ आज जो प्रोग्राम मुनक़िद किए गए थे उसके तल्लुक़ से आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो प्रोग्राम रहा काफ़ी कामयाब प्रोग्राम रहा, और ये कामयाबी जो है इनफरादी कामयाबी नहीं, हमारी एक यूनिट की कामयाबी है, जिसका सेहरा तमाम तर मैं शफी सर को देता हूँ कि उनकी ज़ाती कोशिश जो काविशें रही कि हम बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को उभारें रंगों के ज़रिए, क्योंकि बच्चा जब ड्राइंग करता है तो उसको नहीं कहा जाता कि तुम आड़ी लाइन खींचो सीधी लाइन खींचो, बच्चा दिमाग में जो उसके आता है वो करता है, यानी उसकी क्रिएटिविटी यानी उसकी तख्लीकी सलाहियत जो उसके अंदर पाई जाती है वो तख्लीकी सलाहियत उभर कर आती है। और उसके लिए मैं शफी सर, मेरे साथी और जो है नवीद सर, हमारे इमरान सर, हमीद सर, अतीक सर, नियाज सर, तमाम मेरे जितने टीम के मेरे जो मेंबर्स हैं तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये तमाम की मेहनत की वजह से आज हमारा इवेंट सक्सेसफुल रहा। तकरीबन हमारे पास 2400 बच्चे 23 मुख्तलिफ स्कूल से
हमारे पास रजिस्टर्ड हुए फर्स्ट राउंड में हमने, और एक खास बात यह है कि हमने तमाम के तमाम को सर्टिफिकेट और मेडल दिया। 2300 बच्चे हमारे पास, 2400 बच्चे हमारे पास इनरोल किए, 2400 बच्चों को हमने सर्टिफिकेट दिया, 2400 बच्चों को हमने मेडल दिया, और यहाँ सेकंड राउंड में जो है उनको हमने सर्टिफिकेट दिया, मेडल दिया, क्रिटिक अवार्ड। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कामयाबी का मतलब सिर्फ हमको मेडल मिलना है, हर बच्चे को तमाम के पास, अल्लाह ताला ने इंसान को, हर इंसान को कुछ अलग अलग सलाहियतें दी हैं, हर इंसान एक में मुकम्मल नहीं होता, तो जिसके पास जो सलाहियत है वो सलाहियत को उभारना चाहिए, अपने अंदर जो इनर टैलेंट है वो टैलेंट को पहचानना चाहिए, उसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, उससे आदमी कामयाब हो सकता है। शुक्रिया। जैसा कि अभी बताया कि जो है सीनियर और जूनियर के यहाँ पर बात हुई, तो हम सीनियर भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे कुछ बात करते हैं कि जो है सीनियर और जूनियर में क्या फर्क रहा है और कैसा रहा इवेंट, इस इवेंट के तालुक से बताइए, आपकी टीम कितना सपोर्ट कर रही है? जूनियर सीनियर का कोई मसला नहीं है, हम जो है ना मिल जो है ना बात के जो है थोड़ा हम जो है ना एक साथ हम लोग काम करते हैं इसको। स्पेशली ये देखने में आया था कि जो है 2019-20 के बाद लॉकडाउन के दो साल जो थे बहुत जो है ना खराब गुजरे, फिर उसके बाद जो है ना हमारे को जो है ना बच्चों का जो है ना जो बच्चे कम बैक आया स्कूल का, बहुत ही जो है ना उनका जो है ना पूरा ग्राफ डाउन हो गया था, एकेडमिक ग्राफ इतना डाउन हो गया था, मोरल ग्राफ इतना डाउन हो गया था, तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग काम था। तो हम जो है ना ये देखें कि बच्चों को कितनी भी कोशिश करे जो है ना एकेडमिक में चेंज नहीं आ रहा, तो हम लोग एक काम करें स्पोर्ट्स और जो है ना आर्ट्स के जरिए बच्चों को जो है ना हम चेंज लेके आना, वो एक हमारी कोशिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है ना हम काफी हद तक कामयाब हुए। इसकी वजह से जो है ना बच्चों में क्या हो रहा है, एक तो जो है ना पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आ रहा और दूसरी एक्टिविटीज करने की वजह से उनकी जहनी सलाहियत पर जो है ना काफी तब्दीली आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह के जो है ना टीम MPSL जो है ना बहुत ही अच्छा इस तरफ जो है ना लेके जा रहे हैं, हम लोग क्रिकेट का जो टूर्नामेंट भी करा है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेंगे कि बच्चों को जो है ना को करिकुलर एक्टिविटीज में जो है ना ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराएं, ताकि उनका जो है ना इनोवेशन जो है ना उनमें बढ़ता जाए, ताकि जो है ना आइंदा आप देखेंगे एक चैलेंजेस ऐसी दुनिया में कि जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना एक चैलेंज बनते जा रहा दिन ब दिन, तो बच्चों को जो है ना उस तरफ जो है ना लेके जाना हमारा एक मकसद है, जिसकी वजह से हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज पर ज्यादा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जो है ना और जो है ना एक्टिविटीज कराएंगे बच्चों में जितना हो सकते हैं, उनके जहनी सलाहियत को हम जो है ना उजागर करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर नवीन सर भी है, ये लोग की जो एक टीम है, टीम के जरिए इस प्रोग्राम को कामयाब की है, वो टीम के एक मेंबर भी है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर ये बताइए कि जो कितना आप लोग को सपोर्ट किए हैं कि आपकी टीम जो है कामयाबी हो, इस टीम के ताल्लुक से बताइए कितना सपोर्ट कर रहे हैं। एज ए टीम मजलिस प्राइवेट स्कूल फेडरेशन हम लोग काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक ईच एंड एवरी मेंबर का सपोर्ट ऐसा है, इसीलिए हम इतना कामयाब इवेंट कर चुके हैं और सादे खान ने भी जो है दो इवेंट ग्रैंड कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना शोल्डर टू शोल्डर वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई हमारे फेडरेशन में बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं है, मिलके सब काम करते हैं और हमारे सीनियर मेंबर्स और हम एकदम यंग मेंबर्स हैं, मगर हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि कोई सीनियरिटी या कोई जूनियर है जैसा, हम ऐसा काम करते हैं जैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है हमारे टीम में कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट है हमारे पास, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की वजह से हमारा काम जो है कामयाब हो रहा है, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और जो सपोर्ट मिल रहा है हमारे प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे सीनियर मेंबर अकीज सर, इनकी जो रहनुमाई है, एक्सपीरियंस है, उसी बदौलत हम जो है ऐसे ग्रैंड इवेंट्स कर सक रहे हैं जो है यूथ और सीनियर दोनों का कॉम्बिनेशन MPSL।